अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो आदमी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता अल्लाह तबारक व ताला उसको अपना इतना करीब बना लेते, उसको वो दर्जा मिलता है कि कोई उसके अलावा कोई दूसरा अमल करे तो वो दर्जा नहीं पा सकता। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तहज्जुद की नमाज़ रोज़ पढ़ते थे, रोज़ तहज्जुद पढ़ते थे। तो एक दिन उनकी तहज्जुद की नमाज़ कज़ा हो गई, सो गए, नहीं पढ़ सके। अब जब आँख खुली तो फजर का नमाज़ का वक्त हो गया। फजर पढ़े, सुबह से शाम तक रोते रहे, मस्जिद से बाहर नहीं निकले। फजर से लेकर जोहर तक रोते रहे, जोहर पढ़े जोहर से असर तक रोते रहे, असर पढ़े असर से मगरिब तक ईशा तक रोते रहे। रात में सो गए, सुबह को दूसरे दिन शैतान आया। कौन? शैतान आया, उठाया, भाई उठ जाओ, आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लो। उन्होंने कहा कि नया आदमी है, कौन है? क्योंकि ये तो खलीफा है ना, बादशाह है, 19 साल बादशाह करी, बादशाह 19 साल हाकिम रहे आप, हुकूमत करी 19 साल। तो फरमाया कि तू तो नया आदमी है, तू कौन है भाई, मेरे को उठाना है तहज्जुद के वक्त। उन्होंने कहा कि जाओ जाओ, तुम्हारे क्या करने का है, तुम उठ जाओ, अपने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लो। नहीं नहीं नहीं, बताओ कौन है। तो पकड़ लिया, तो पूछा, तो बताया उसने, मैं शैतान हूँ। आप हैरान हो गए, अमीर मुआविया चलता तो हैरान हो गए, तू शैतान, मेरे को उठाना है तहज्जुद के वास्ते, तू तो नमाज से रोकता ना भाई, तू आज नमाज़ के, मेरे को नमाज के वास्ते उठाना है। तो उसने कहा कि कल तुमने तहज्जुद की नमाज़ नहीं पढ़ी ना, तो तुम पूरा दिन रोते रहे रोते रहे, तो अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे को जन्नत वालों में लिख दिया है, क्योंकि तो इन्हें जन्नती है। यानी तुम्हारे को जो दर्जा मिला है वो तहज्जुद पढ़ते पढ़ते भी वो दर्जा नहीं मिलता जो तहज्जुद छोड़ के दर्जा मिल गया है। इसलिए मैं नहीं चाहता तेरी दोबारा तहज्जुद की नमाज़ कज़ा हो, तू खामोश उठ और तहज्जुद की नमाज़ पढ़। तो रमज़ान मुबारक में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना बहुत आसान है। हर आदमी रमज़ान मुबारक में जो है पहले उठने की कोशिश करें, एक घंटा पहले उठे रमज़ान मुबारक में। वाक़े तो बहुत सारे हैं। अब जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा तो जन्नत में थे, तो पूछा भाई किस तरह जन्नत में हो, हालांकि जुनैद बगदादी तो वलियों के वली है, बहुत बड़े वली हैं, अलिया हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ काम नहीं आया, जो तहज्जुद की 2-4 रकातें थी वही काम आई है, जो तहज्जुद की 2-4 रकातें थी बस वही काम आई है और कुछ काम नहीं आया। तो तहज्जुद की नमाज़ की ये फजीलत है। तो बातें तो बहुत सारी है, तो तहज्जुद की नमाज़ इंशाल्लाह हम सब अहद कर रहे हैं कि रमज़ान मुबारक में हमारी तहज्जुद की नमाज़ कज़ा नहीं होगी इंशाल्लाह।